ये जो मानव श्रृंखला निकला है सरना धर्म कोड के बारे में, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये मानव श्रृंखला निकालने हैं, इसका हम लोग का यही मानसा है कि सरकार जो है आने सभी धर्मों को जिस तरह का अधिकार दिया है उस प्रकार हम लोग को भी अधिकार मिले, क्योंकि कोलम नहीं होने के कारण हमारे जो आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो इधर उधर बांटने के कारण लगातार घटता जा रहा है। इसलिए सरकार से हम लोग का मांग है कि सरना कोड लागू करे, और ये कोई नया मांग नहीं है। जब प्रथम जनगणना 1871 में हुआ था उस समय हम लोग का आदिवासियों का कोलम था और इसको हम लोग को एबोरिजिनल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1891 में इनिमिस्ट के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार हम लोग को 1941 तक हमारा जनगणना था और इसमें हमको ट्राइबल नाम दिया गया, लेकिन अचानक क्या ऐसा हुआ जो कि हमारा जनगणना कॉलम हटा दिया गया और हमको आने धर्म में आन के जगह पर लिखने के लिए मजबूर किया गया। इसीलिए सरकार से मांग है कि हमारी मांग पूरा करे और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी जैसे पूरे भारत में ट्राइबल जो एक आपका आदिवासी धर्म कोड लागू करे, भीली गोंडी और ये सब मिलके जो कर रहे हैं, क्या उनसे आप लोगों का बातचीत हुआ है कि एक धर्म कोड मांग किया जाए बोल के? जी, हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं जिसे हमारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा हैं, इनके साथ में और भी जो बड़े पोस्ट में जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसको मिलजुल कर बात किए हुए हैं। और ट्राइबल धर्म नहीं होता है, आदिवासी धर्म नहीं होता है, ये आदिवासी हमारा एक आदिवासियत का पहचान है जिसमें सभी लोग आते हैं। धर्म हमारा सरना है, और सरना जिसको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं लेकिन जिसके बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, इसको सरना कहा जाता है, इसको महसूस करते हैं। अच्छा, और वो ऐसे आदमी को हम क्या कह सकते हैं जो ईसाई में चले गए हैं और जो हिंदू में चले गए हैं? वो तो अपने आप को अल्पसंख्यक में वो गिनती आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, और वो हिंदू में तो ओबीसी या जो भी कैटेगरी में आते हैं, मगर अगर ईसाई अगर जो कन्वर्ट हो गया है सरना समाज से, वो तो आपका अल्पसंख्यक में गिनती आता है, मगर वो एसटी क्यों लिखता है, उसके बारे में कुछ विचार बताएंगे? देखिए, जैसे आप बोल रहे कि वो आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी सभी लोग हैं, और जैसे कि ट्राइबल नाम है ये हमारा आदिवासी का पहचान है, लेकिन धर्म उससे अलग है। जैसे कि बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, या तो अन्य किसी धर्म है, इसमें मतलब जाति से लगाव नहीं है, ये धर्म अलग चीज है और धर्म आस्था का बात है। और जिस प्रकार ये अभी धर्म के आधार पर सभी को कॉलम दिया जा रहा है, उसी प्रकार हमारी मांग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजय उराम, और आगे का प्लान है यदि हम लोग हमारी मांग पूरा नहीं करता है तो जनगणना का बहिष्कार तो हम लोग करेंगे ही, साथ में इसके बाद ये आज हम लोग रैली किए हुए हैं, इससे पहले हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए थे। अगर इसमें भी हमारी मांग नहीं होती है तो पूरे भारत में हम लोग बंद करेंगे, और बंद का हम लोग समय के अनुसार ऐलान किया जाएगा और हम लोग पूरे भारत बंद करेंगे। धन्यवाद।